हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम्स। तो शुरू करते हैं। अपने प्रीवियस क्लासेस में हम सब ने नंबर्स भी सुने हैं और नंबर लाइन भी सुने हैं, तो आज कुछ बातें अपनी रिकलेक्ट करते हैं। यहाँ एक नंबर लाइन है और उस नंबर लाइन पर मैं आपको नंबर्स प्लॉट करके दिखा रही हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में हमें सबको पता है क्या नंबर्स होते हैं। -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अब हम एक काम करते हैं, इस नंबर लाइन की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, 0 से आगे, और जो भी नंबर्स मिल रहे हैं हमें जो पता है उन्हें इस बैग में कलेक्ट करते हैं। तो हमने इस बैग में लिया 1, 2, 3, 4, 5 और डालते गए। तो ये जो कलेक्शन आ रही है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और आते ही जाएंगे, इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? हमें पता है नेचुरल नंबर्स, और उन्हें डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। अब एक काम और करते हैं, ये जो जीरो जिसको हमने पहले नहीं लिया, अब इसे भी इस बैग में डाल देते हैं। चलो भाई, डाल दिया। अब हमारे पास जो नंबर्स हुए वो कौन से हुए? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यानी जो ऊपर नंबर्स थे नेचुरल नंबर्स, उन्हीं में बस एक नंबर और आ गया, जीरो। और अब इन नंबर्स का नाम होता है होल नंबर्स, और उसे हम डिनोट करते हैं W से। यानी 1, 2, 3, 4 ये तो है नेचुरल नंबर्स, बस इन्हीं में एक जीरो डाल दिया और बन गया होल नंबर्स। अब जब हमने ये दोनों नंबर्स देख लिए, अब हम क्या करते हैं? पहले हम पॉजिटिव डायरेक्शन में गए थे, अब जरा थोड़ा सा इधर भी चलते हैं और इधर वाले नंबर्स भी ऐड कर लेते हैं। तो क्या बनेगा? 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास पहले थे, इधर से -1 भी ले लिया, -2 भी एंड सो ऑन सभी ले लिए। यानी इस बैग में मैंने -1, -2, -3, -4 ये सब भी डाल लिए। तो अब जो ये मेरे पास कलेक्शन बन के आई है, ये क्या है? सभी इंटीजर्स हैं और इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। तो हमने तीन तरह के सेट देख लिए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। अब मैंने इस नंबर लाइन से ये सारे नंबर्स अपने इस बैग में डाल दिए। अब सोचने की बात ये है कि क्या इस नंबर लाइन पर कुछ और भी बचा है? यस, इस पर अभी बहुत सारे नंबर्स बाकी हैं। कौन कौन से? यहाँ हमें पता है 1/2 है, ऐसे ही यहाँ 1/4 है, यहाँ आपके पास 5/2 है, यहाँ 3/2 है एंड सो ऑन। इन सभी नंबर्स को क्या कहते हैं? हम आगे देखते हैं। आर देयर सम नंबर्स स्टिल लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन? मैंने आपको पहले ही आंसर कर दिया यस। और वो सारे नंबर्स किस फॉर्म के हैं? 3/2, 1/4, 255/256 या -3/2 एंड सो ऑन। इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको कहते हैं रैशनल नंबर्स, और डिनोट किया जाता है क्यू से। रैशनल इसलिए बोला जाता है इन नंबर्स को क्योंकि इसमें रेशियो इन्वॉल्व है, और क्यू का साइन इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे क्वोशेंट कहा जाता है। जब हम एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट होता है उसे क्वोशेंट कहते हैं। तो हमने एक और सेट देख लिया, रैशनल नंबर्स का सेट। तो रैशनल नंबर अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है, कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का हो, P/Q फॉर्म का, बस एक कंडीशन है कि Q क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। नीचे वाला डिनोमिनेटर, नीचे वाला नंबर जिसको नीचे लिखते हैं उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को कहा जाता है रैशनल नंबर। और P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, जैसे कि हमने ऊपर लिखे हैं 3/2, 1/4, 255/256, -3/2, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? रैशनल नंबर्स के। अगर मैं एक नंबर लूँ 5, हमें लगता है वो इंटीजर है, लेकिन आप उसे कैसे लिख सकते हो? 5/1, तो वो एक रैशनल भी है। यानी सभी इंटीजर्स
रैशनल्स होते हैं। अब एक और बात करते हैं, एक और चीज़ हमें कंफ्यूज करती है, अगर मैं आपको बोलूँ 2/4 या मैं बोलूँ 3/6 या मैं बोलूँ 1/2, ये सभी 1/2 के बराबर हैं। इन्हें कहा जाता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, क्योंकि जब आप इसे कट करोगे 2 के टेबल पर तो भी 1/2 आएगा, इसे 3/2 के 3 के टेबल पर कट करोगे तो भी 1/2 आएगा। तो ऐसे ही रैशनल नंबर्स को बोला जाता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर की हम डेफिनेशन ऐसे भी कहते हैं, वो सारे नंबर्स जो p बाय q फॉर्म के हैं विद अ कंडीशन कि q जो है वो जीरो ना हो, जो कि पहले भी कहा था, और साथ साथ p और q क्या हो, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब ये अपने लीस्ट फैक्टर्स में एग्जिस्ट करते हों। जैसे कि हमने 2/4 लिखा, 2/4 नहीं लिखना, इसको क्या लिखना है, 1/2, यानी जो जितना कट सकता है आपस में उसे काट लीजिए, और अब वो क्या हो, आपस में ना कटें, वो क्या बन जाएंगे आपस में, कोप्राइम, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो अब तक हमें पता चल चुका है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स, फिर हमने देखा इंटीजर्स, और अब हमने देख लिया रैशनल्स। तो अब हमने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, और उस क्वेश्चन से पहले हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं ट्रू फॉल्स के, जिससे आपके जितनी भी बातें हमने की हैं वो रिवाइज हो जाएंगी। क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, और आप जो भी आंसर दोगे उसका आपको रीजन देना है। पहला है, हर होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, सोच के देखते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और होल नंबर्स कौन से होते हैं, बस उनमें एक जीरो और आ जाता है, बाकी सारे वही हैं। तो हर होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है, नहीं, क्योंकि जीरो इसका एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जीरो इज अ होल नंबर, ये होल नंबर है, बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल दे दिया कि एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर इंटीजर नेचुरल नंबर होता है, तो हम जस्ट अ मिनट, हमारे पहले का आंसर क्या बना, हमने आंसर ट्रू फॉल्स में देना था, दिस इज फॉल्स, यानी हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। सेकेंड स्टेटमेंट है, क्या हर इंटीजर नेचुरल नंबर होता है, अगेन फॉल्स। कैसे हर इंटीजर नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है, इंटीजर्स तो नेगेटिव भी है, फॉर एग्जाम्पल -2 इज एन इंटीजर। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, -1, -3, -5, anyone, but -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो -2 मैंने एग्जाम्पल दिया है कि एक इंटीजर है लेकिन एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है कि हर इंटीजर एक नेचुरल नंबर है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर होता है, दिस इज अगेन, रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म के। तो रैशनल नंबर्स इंटीजर्स कैसे हो सकते हैं, सपोज मैं 3/2 लूँ, तो 3/2 इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, बट इट इज नॉट एन इंटीजर, तो ये एक इंटीजर नहीं है। तो पहली बात, हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, ये हमने देख लिया, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी दैट इज फॉल्स। हर इंटीजर नेचुरल नंबर है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, एंड एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल दे दिया ये रैशनल है बट इंटीजर नहीं है। अब आ जाते हैं हम बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पर, करना क्या है हमने, हमने 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब नंबर लाइन पर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हमने 1 और 2 के बीच में रैशनल्स निकालने हैं।
कैसे निकालने हैं इसके तीन मेथड्स मैं आपको बताऊंगी, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो यूज कर सकते हो। मेथड नंबर फर्स्ट, सबसे इजी मेथड है, आपको वन और टू के बीच में निकालने हैं। तो आप क्या करो, वन और टू दोनों का डिनोमिनेटर टेन बना लेते हैं। तो टेन बनाने के सिर्फ मेथड है, मैं आपको दो मेथड्स और बताऊंगी, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। जब मैं 10 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरी तो मर्जी नहीं है, मुझे 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी मैं 1 को क्या लिख रही हूँ, 10/10। ऐसे ही 2 को मैंने 10 से डिवाइड किया और 10 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास बन गया 20/10। यानी जो नंबर्स 1 और 2 थे मैंने उनको क्या लिख लिया, 1 को लिख लिया 10/10 और 2 को लिख लिया 20/10। सिंपल, यानी सिर्फ एक 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। अब बहुत सिंपल है, अब मेरा नंबर है 10/10 और यहाँ है 20/10। आप सिंपल अगला लिख लो, डिनोमिनेटर सेम, 10 के बाद 11, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 एंड 15/10। आपको जितने चाहिए आप ले सकते हो, हमसे 5 पूछे थे, मैंने ये 5 रैशनल नंबर्स निकाल के दिखा दिए। तो ये 5 रैशनल नंबर्स हैं जो 1 और 2 के बीच में हैं। इजी ट्रिक है। दूसरा मेथड है कि आप जो भी दो पॉइंट्स दिए हैं जिनके बीच में आपको रैशनल्स निकालने हैं, आप उनके मिड पॉइंट्स निकालते जाओ। कैसे निकालते हैं, 1 और 2 का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 1 में किया 2 ऐड और किया 2 से डिवाइड, 1 में किया 2 ऐड हो गया 3 और किया 3/2, 3/2 2 से डिवाइड करके, तो ये इसका मिड पॉइंट है, ये पहला रैशनल नंबर आ गया। बस यही प्रोसेस कंटिन्यू करना है। अब मैं 1 और 3/2 का मिड पॉइंट निकालूंगी, कैसे, 1 में किया 3/2 ऐड और फिर करूंगी 2 से डिवाइड। ध्यान से करना है, पहले मैं ले रही हूँ ऊपर एलसीएम, ये आ गया 2+3 और नीचे वाला 2 एज इट इज, ये आ गया 5/2 और नीचे एक 2, ये आ गया 5/4। तो इन दोनों का मिड पॉइंट आ गया 5/4। पहले आया था 1 और 2 का मिड पॉइंट 3/2, फिर 1 और 3/2 का मिड पॉइंट आया 5/4। ये मेरा दूसरा रैशनल नंबर है। अब ऐसे ही 3/2 और 2 का मिड पॉइंट कैसे लेंगे, 3/2 में किया 2 ऐड और 2 से डिवाइड, फिर से एलसीएम लिया 3+4 और नीचे वाला 2 एज इट इज, 7/2 डिवाइड बाय 2 और ये हो गया 7/4। तो यहाँ आ रहा है 7/4, ये हमारा है तीसरा रैशनल नंबर। हम कर क्या रहे हैं, दो नंबर्स का मिड पॉइंट लिया, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट लिया, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट लिया, बस यही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे और आपके पास रैशनल नंबर्स आते जाएंगे। अब आप इन दोनों का मिड पॉइंट ले लो, किस किस का, जिनका मिड पॉइंट लेना है उन दोनों को करो ऐड और 2 से डिवाइड। यहाँ एलसीएम आएगा 4, 5, ये आ गया 6 और नीचे 2, ऊपर हो गया 11/4, नीचे 2, 11/8। तो आपके पास मिड पॉइंट आ गया 5/4 और 3/2 का 11/8 और ये आ गया आपका नेक्स्ट रैशनल नंबर। इसी तरह हम 3/2 और 7/4 का मिड पॉइंट ले सकते हैं, दोनों को किया ऐड और 2 से डिवाइड, 4 एलसीएम, यहाँ आ जाएगा आपके पास 6+7, नीचे 2, 13/4 और नीचे 2, 13/8, ये आ गया आपके पास नेक्स्ट रैशनल नंबर्स। तो हमने कितने निकाल लिए, पहला आया 3/2, फिर 5/4, फिर 7/4, फिर 11/8 और फिर 13/8, ये आ गया आपके पास रैशनल नंबर्स। ये सारे ऊपर वाले मेथड 1 के रैशनल नंबर्स से डिफरेंट है, यानी 1 और 2 के बीच में हमने फर्स्ट मेथड से देखा कैसे रैशनल नंबर्स निकालने हैं। क्या किया था हमने, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 10/10 के बाद 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। और मेथड 2 में हमने क्या किया, 1 और 2 का मिड पॉइंट लिया 3/2, फिर 1 और 3/2 का मिड पॉइंट लिया, हमारे पास आया 5/4। इसी तरह 3/2 और 2 का मिड पॉइंट लिया 7/4, फिर फर्दर कंटिन्यू करते रहे इन दोनों का मिड पॉइंट। आप ऐसे ही इन दोनों के मिड पॉइंट्स भी ले सकते थे, इन दोनों के मिड पॉइंट्स, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। आप जितने मर्जी रैशनल नंबर्स और निकाल सकते हो 1 और 2 के बीच में। एक और मेथड है थर्ड,
उसको देखते हैं। मेथड नंबर थर्ड, क्या करना चाह रहे हैं हम, हम वन और टू के बीच में फाइव रैशनल निकालना चाह रहे हैं, फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन वन एंड टू। तो इसका थर्ड मेथड, एक और मेथड है हमारे पास, वो कैसे करना है, जितने भी रैशनल नंबर्स आपने निकालने हैं उससे एक ज़्यादा नंबर ले लो आप, वो ज़्यादा नंबर क्या हो गया आपके पास, सिक्स। अब वन को और टू को आपने ऐसे लिखना है कि जो उनका डिनोमिनेटर है वो सिक्स बन जाए। अब वही बात, अगर मैं इसका डिनोमिनेटर सिक्स चाह रही हूँ तो मुझे सिक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, हम सिर्फ डिवाइड नहीं कर सकते, हमारी मर्जी नहीं है, हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मैंने वन को लिख लिया सिक्स बाय सिक्स, उसी तरह मैंने टू का डिनोमिनेटर अगर सिक्स बनाना है तो सिक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा, तो ये बन गया ट्वेल्व बाय सिक्स। यानी मैंने वन को लिखा सिक्स बाय सिक्स और टू को लिखा ट्वेल्व बाय सिक्स। तो सिक्स बाय सिक्स के बाद सेवन बाय सिक्स, एट बाय सिक्स, नाइन बाय सिक्स, टेन बाय सिक्स एंड इलेवन बाय सिक्स। तो सिक्स बाय सिक्स और ट्वेल्व बाय सिक्स के बीच में ये पांच रैशनल नंबर्स आपको मिल गए हैं। एक बात आप ध्यान से देखोगे, ये मेथड काफ़ी मेथड फर्स्ट जैसा है, तो इन तीनों में से जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगे आप वो मेथड यूज़ कर सकते हो और किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। इस मेथड से एक और इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है, वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क, वो क्या है, हमने तीन मेथड्स देखे, तीनों मेथड्स में अलग अलग रैशनल नंबर्स आ रहे हैं वन और टू के बीच में, और हम चाहे फाइव नहीं कितने भी निकाल सकते हैं, हमें फाइव रैशनल नंबर्स कहे थे, हम कितने भी निकाल सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि वन और टू के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन बहुत सारे मतलब कितने, एक्चुअली में इनफाइनाइटली मैनी मतलब बहुत सारे, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं हर दो रियल नंबर्स के बीच में। आप अगर एक इन दोनों का मिड पॉइंट ले रहे हो थ्री बाय टू, इसके इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स एग्जिस्ट करते हैं, इन दोनों के बीच में भी, यानी हर दो रैशनल नंबर्स के बीच में भी, आप कोई दो एनी टू रैशनल नंबर्स ले लो उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब एक बात पर वापस चलते हैं, हैव यू पिक्ड अप ऑल द नंबर्स, हमने कहाँ से शुरू किया था, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स उठाए थे, उसमें ज़ीरो डाल दिया, होल नंबर्स आ गए, फिर नेगेटिव नंबर्स भी उठा लिए, इंटीजर्स बन गया, फिर जो नंबर्स बचे पी बाई क्यू फॉर्म के वो बन गए हमारे सारे के सारे रैशनल नंबर्स। क्या अब भी उस नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स बाकी हैं, हैव यू पिक्ड अप ऑल द नंबर्स, नॉट येट, अभी नहीं हमने सभी उठाए, देर आर गैप्स इन बिटवीन द प्लेसेस ऑफ द नंबर्स यू पिक्ड अप, हमने जो जो नंबर्स उठाए यहाँ पर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल्स या इंटीजर्स, उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी गैप्स हैं, और जो मोस्ट अमेजिंग थिंग है वो ये है, देर आर इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स लाइंग बिटवीन एनी ऑफ दीज गैप्स टू, यानी नंबर लाइंस पर जो नंबर्स हमने उठाए हैं उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी गैप्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी गैप्स हैं, और उन इनफाइनाइटली मैनी गैप्स में इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स बैठे हैं। इसका मतलब अभी तो रियल नंबर्स पर और भी नंबर्स बाकी हैं, व्हाट आर दोज नंबर्स दैट आर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, इसका आंसर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।